स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैडिंग स्टडी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हिंदी लिखना और बोलना सिखा रहा हूं। तो यहां पर देखेंगे आप कि इस वीडियो में हम लोग पार्ट 15 पढ़ने वाले हैं, री की मात्रा। तो जो री की मात्रा है दोस्तों, वो किसी इस प्रकार से यहां पर लिखी जाती है। तो यहां पर पढ़ो और समझो में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग री की मात्रा के साथ कैसे शब्दों को यहां पर पढ़ सकते हैं अक्षरों को मिलाकर। तो री की मात्रा देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि री की मात्रा किसी भी अगर अक्षर में लग जाती है तो जो उसकी आवाज़ है वो क्या, वो नीचे की तरफ आती है। जैसे कि क में अगर यहाँ पर री की मात्रा लगा दी जाए तो ये क्री हो जाएगा, ठीक के क जोड़ री की मात्रा अब पापड़ पिपा, ये क्या हो जाएगा, कृपा, ठीक है। और इसमें एक चीज़ आपको ये भी ध्यान देना होगा कि अगर क में ये री की मात्रा लगेगी तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कृपा नहीं होगा बल्कि कृपा हो जाएगा। उसके बाद ये है ना जो री की मात्रा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, निरी। अब प मिल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, निरिप बन जाएगा। उसके बाद ये क्या है, द है, द में अगर री की मात्रा लगाएंगे और ये शाह है आधा, ठीक है, और जोड़ क्या है, या है, तो ये क्या हो जाएगा, दृश्य हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए क है, क में री की मात्रा शाह और ना है तो ये क्या हो जाएगा, कृष्ण हो जाएगा। उसके बाद ये क्या है, ग है, ग में अगर री की मात्रा उसके बाद ह लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, गृह हो जाएगा। उसके बाद है अ, अम्मा है अम, ठीक है, अम्मा में क्या है, री की मात्रा है, ठीक है, अमरी, अतः ये क्या हो जाएगा, अमृत हो जाएगा, ठीक है, अमृत, ठीक है, इसको अमृत नहीं पढ़ेंगे बल्कि ये क्या हो जाएगा, अमृत हो जाएगा, यानी कि जो कभी ना मरता हो, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, आइए नीचे पढ़ो और लिखो। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, माँ है, माँ में क्या लगा हुआ है, री की मात्रा, तो री की मात्रा है या ग है तो ये क्या हो जाएगा, मृग। उसके बाद है ध में री की मात्रा अतः धृत। उसके बाद ग है, ग में री की मात्रा ह, ये क्या हो जाएगा, गृह हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है कि जो री की मात्रा है ये रा में कभी भी नहीं लग सकता, ठीक है। तो रा से अगर कोई भी यहाँ पर शब्द हमको पढ़ना होगा तो डायरेक्ट हम लोगों को री यहाँ पर लिख देना होगा। जैसे कि ऋण, ऋण का मतलब क्या होता है, कर्ज होता है, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे प है, प में यहाँ पर री की मात्रा प्री अथा अवा में बड़ी ई की मात्रा पृथ्वी, ठीक है। उसके बाद पा में छोटी की मात्रा अता में री की मात्रा पित्री, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, अमृत। उसके बाद ये है क में री की मात्रा पापड़ पिपा कृपा। उसके बाद है त में री की मात्रा ना, क्या हो जाएगा, त्रिन। उसके बाद ये क्या है, माँ पर पाई माँ और ता में री की मात्रा, ये क्या हो जाएगा, मात्री। उसके बाद ये क्या है, क में री की मात्रा और शा में छोटी की मात्रा कृषि। उसके बाद ये है तृप्ति, ता में री की मात्रा प, ता में क्या है यहाँ पर छोटी की मात्रा, ये हो जाएगा तृप्ति। उसके बाद ये क्या है, माँ में री की मात्रा दा में ऊपर चंद बिंदु है, ठीक है, सॉरी चंद्र बिंदु नहीं है, सिर्फ बिंदु है, तो ये क्या हो जाएगा, मृदंग। उसके बाद है क में रा के री की मात्रा अशा अन्ना, ये हो जाएगा कृष्ण, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने शब्दों को पढ़ा, अब चलिए वाक्यों को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो लिखा हुआ है गृह कार्य कर, ठीक है, गृह कार्य कर। उसके बाद है पृथ्वी गोल है। उसके बाद है रामू घृत लाया। उसके बाद है मृग जंगल से भाग गया। उसके बाद कृष्ण की पूजा कर। उसके बाद है कृषक, कृषक कृषि करता है, ठीक है। चित्रों को पहचान कर हम लोगों को यहाँ पर नाम लिखना है। तो यहाँ पर जितने सारे भी, जैसे गृह हो गए, पृथ्वी हो गए, घृत्य हो गया, मृग हो गया, कृष्ण, कृषक, कृषि, जो भी यहाँ पर वर्ड है री की मात्रा वाले, वो यहाँ पर संस्कृत वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको मैं बताता हूँ कि जैसे मृग, मृग हम लोग को किसको कहते हैं, यहाँ पर हिरण को कहते हैं। तो ये देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे इस तरीके से, मृग। उसके बाद यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने एक शब्द का नाम सुना होगा, मातृभूमि। तो यहाँ पर देखिए मातृभूमि, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, कृष्ण की पूरी पृथ्वी गोल है, रामू घृत लाए, मृग जंगल से भागा, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ये क्या है, घर है, तो घर का हम लोग क्या कहते हैं, गृह कहते हैं, ठीक है ना, मैंने लिख दिया। ये क्या है, कृषक है, किसान है ना, तो इसको हम लोग लिख देंगे कृषक। उसके बाद इस पेड़ को हम लोग क्या कहेंगे, ये देखिए पृथ्वी है, तो इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पर पृथ्वी। इसमें से हम लोगों को ढूंढ ढूंढ कर लिख लेना है, अगर आपके पास भी ये किताब है तो आप भी इसको ढूंढ के यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद और क्या बच गया, राजा बच गया, और क्या यहाँ पर बच गया, ठीक है, राजा यहाँ पर है। उसके बाद और यहाँ पर क्या है, कृष्ण की
पूजा कर राम घृत लाया। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए एक और यहाँ पर शब्द हमको मिल गया है, मृदंग। तो मृदंग एक वाद्य यंत्र का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वही है मृदंग, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब चलिए बारी आती है यहाँ पर अभ्यास करने की। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है अभ्यास में, निम्न शब्दों में री की मात्रा लगाकर सही शब्द लिखो। जैसे कि लिखा हुआ है कसक, इसको कृषक बना दिया। मदंग लिखा हुआ है, तो मां में अगर री की मात्रा लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मृदंग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है तरन, तन लिखा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, तृण हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है पित, तो ये क्या हो जाएगा, पित्री हो जाएगा। उसके बाद ये क्या है, मग है, तो ये हो जाएगा मृग। उसके बाद ये क्या है, मात है, तो ये क्या हो जाएगा, मातृ। उसके बाद यहाँ पर है गह, तो ये क्या हो जाएगा, गृह हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे घत है, तो ये हो जाएगा घृत। उसके बाद यहाँ पर पथवी है, तो ये क्या हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर जब थोड़ा सा समझेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो री की मात्रा है यहाँ पर पहले वाले अक्षर में भी यहाँ पर लगी हुई है, दूसरे वाले अक्षर में भी लगी हुई है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग जो और आगे पढ़ेंगे रा रेफ की मात्रा जो होती है, जैसा कि यहाँ पर पार्ट 16 में है, यहाँ पर मैं आपको इन दोनों में अंतर यहाँ पर बताऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी आपको। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलता हूँ आपसे पार्ट 16 में।